नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कुक सर्विस इंडिया में। आज आपके लिए मैंने रैंडम जॉब वैकेंसी लेकर आ गया हूं दोस्तों, पूरे इंडिया में दोस्तों। ज्यादातर आपको उत्तर भारत के साइड में मिलेगा, बिहार से लेकर यूपी से लेकर हैदराबाद तमिलनाडु तक आपको वैकेंसी में देने वाला हूं आज। ध्यान से इस वीडियो में जुड़े हैं, क्योंकि छोटी सी वीडियो होगी 2 मिनट या 3 मिनट की, तो फटाफट जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी शेयर कर दें, ताकि जिन भाइयों को जिन बहनों को जॉब की जरूरत हो तो आराम से जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिटेल आपको बता देता हूं, दिए गए नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद जाएं पूरी डिटेल ले लें, फिर आप घर से निकले, पता चले कि आप निकल चुके हो, वहाँ पे जॉब फुल हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं होती है, पहले आप कंफर्म कर लें कि वैकेंसी है, हमारी तरफ से यस बोल दिया जाएगा, मैसेज में लिख के भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ पे निकल जाए। तो ध्यान से सुने, कहाँ कहाँ पे वैकेंसी मैं बता देता हूँ दोस्तों। बिहार में कुक की जरूरत है सबसे ज्यादा दोस्तों, चाइनीज कुक की जरूरत है। अगर चाइनीज और इंडियन कुक हो तो बिहार में आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। और सैलरी जो होने वाली है स्टार्टिंग 18,000 से 20,000, 25,000 तक वहाँ पे मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगा आपको, 18 से स्टार्टिंग है। हेल्पर की भी नीड है बिहार में, कम से कम 15 से 20 हेल्पर चाहिए रेस्टोरेंट के लिए, जिसमें एक्सपीरियंस सारे किचन हेल्पर चाहिए। सैलरी 12 से 15 हजार होने वाला है दोस्तों, और वेटर भी चाहिए 12 से 15 हजार सैलरी होने वाला है। तो फटाफट अगर आप बिहार से हो, ज्वाइन करना चाहते हो होटल रेस्टोरेंट में ज्यादातर जॉब है, और रेस्टोरेंट में जो ड्यूटी टाइमिंग होती है हर जगह की, वो होती है 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होगी वहाँ पर। और फूड एंड अकोमोडेशन आपको हर जगह मिलेगा, अप डाउन वाले सिचुएशन कहीं पे भी नहीं है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि रेस्टोरेंट की टाइमिंग होती है सुबह में 10 से 11 बजे खुल जाता है, रात में 10 से 11 बजे बंद होता है, बीच में रोटेशन वाइज वर्क होता है। कहीं स्टार्टअप है तो वो आपको देखना होता है कैसे वो ऑनर आपसे मैनेज करवा सकते हैं, कैसे मैनेज करवाया जाएगा, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टेबल नेचर के हो तो ही कहीं भी जाए, मेहनती हो तो ही जाए, नखड़ेबाज हो नौटंकीबाज हो, मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए, और शुरू से आप जॉब नहीं कर रखे हो फिर भी आप नाटक कर रहे हो जॉब में कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो आपके लिए जॉब बना ही नहीं दोस्तों। क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, वही बोलता हूँ जो आपके लिए उचित हो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनती आपको बनना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा जिंदगी। तो दोस्तों उसके बाद यूपी में मैं लेके चलता हूँ। यूपी में आपको गोरखपुर में हमें चाहिए कम से कम 10 से 12 कुक अलग अलग रेस्टोरेंट में। गोरखपुर में चाहिए चाइनीज कुक, तंदूर कुक, इंडियन कुक, सबसे ज्यादा दोस्तों 10 चाइनीज कुक चाहिए, 2 इंडियन कुक चाहिए, 2 तंदूर कुक चाहिए गोरखपुर। एक्सपीरियंस वाले हेल्पर की भी नीड है, एक्सपीरियंस वाले हेल्पर 15 से 20 हजार सैलरी होने वाला है, 15,000-16,000 ये बेसिक सैलरी है। अगर फ्रेशर हो तो आपको सैलरी मिल जाएगा हर जगह जाकर 12 से 15 हजार के बीच में। अगर आप उससे भी फ्रेशर हो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हो तो फूड एंड अकोमोडेशन आपको साथ में वहाँ पे मिलने वाला, 10,000 सैलरी होने वाली है यूपी के अंदर में गोरखपुर में। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ एमपी में। एमपी में भी हमें जरूरत है चाइनीज कुक की और हेल्पर का। एक हेल्पर जो एक्सपीरियंस हो, 12 से 15 हजार सैलरी होगा, किचन के अंदर में काम होगा। एक हाउसकीपिंग बॉय की भी जरूरत है एमपी के अंदर में, एमपी में जगह सिंगरौली में जरूरत है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में बड़ौत में जरूरत है दोस्तों रेस्टोरेंट के लिए। 5 हेल्पर की जरूरत है, जिसमें कि एक सर्विस बॉय है, 3 वेटर, 2 हेल्पर की जरूरत है। दिल्ली के पास ही बड़ौत पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है, यहाँ पे जरूरत है। तो ये 1 से 2 दिन की मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन के बाद आएंगे तो ये फुल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लोग 5-5 दिन 1-1 महीने बाद देखते हैं। तो डेट अभी जून का महीना चल रहा है, तो ये जून की मैं रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास जरूरत है दोस्तों पंजाब कटरा रोड में, जो रास्ता वैष्णो माता के रास्ते में ही रेस्टोरेंट है, पंजाब होते हुए जाती है, तो आपको दिल्ली से बस मिलेगी। और वहाँ पे हमें जरूरत है तंदूर कुक की, जो कि सैलरी होने वाला 18 से 25 हजार के अंदर में। हेल्पर की जरूरत है, जो सैलरी होने वाला 12 से 15 हजार। तो ये आपका कटरा रोड पे ही है पंजाब में। और दोस्तों उसके बाद हमारे पास जरूरत है तमिलनाडु में दोस्तों, ऑलराउंडर कुक की जरूरत है तमिलनाडु में, 25 से 30 हजार सैलरी होने वाला तमिलनाडु चेन्नई। और दोस्तों हमें जरूरत हैदराबाद में, वहाँ भी सैलरी 25 से 30 हजार, ऑलराउंडर कुक चाहिए दोस्तों। बैंगलोर में दोस्तों जरूरत है हेल्पर की भी और कुक की भी। हेल्पर अगर हो तो 15,000 सैलरी, कुक हो तो 18 से 20 हजार, इंडियन कुक की जरूरत है। और दोस्तों गोवा के लिए भी जरूरत है हमारे पास ज्यादातर वैसे कुक, जिसको नॉर्थ इंडियन का पता हो, वहाँ पे सैलरी 18 से 20 हजार है गोवा के लिए। तो नॉर्थ इंडियन वो कैंटीन के लिए चाहिए और हॉस्टल के लिए चाहिए, दो जगह के लिए चाहिए, गोवा के लिए भी जरूरत है। तो दिए गए नंबर पे फटाफट कॉल करें और 2 से 5 दिन के अंदर में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर में वहाँ पे ज्वाइन कर ले। जो भी नियर बाय है आप ज्वाइन कर सकते हो, दूर वाले के लिए 1 हफ्ते तो पहुँचने में लग जाएगा, तो कोशिश करें नियर बाय वाले अप्लाई करें, ताकि आप 1 से 2 दिन में वहाँ पे पहुँच जाओ। दिए गए नंबर पे कॉल कर ले और दोस्तों फटाफट अप्लाई करें। कॉल अगर कोई पिकअप नहीं करता, मैसेज में 4 बार लिख दे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस लोकेशन का मैंने ऐड देखा। तो दोस्तों कुक सर्विस इंडिया को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। धन्यवाद।